इस दाढ़ी वाले चाचा को आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं कि ये चाचा जान रिटायरमेंट की उम्र में पूरी दुनिया में छा गए? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं इनकी पूरी कहानी। तो इन दाढ़ी वाले चाचा का नाम है हारलैंड सैंडर्स और अंकल सैम के देश अमेरिका के रहने वाले चाचा हारलैंड सैंडर्स KFC के संस्थापक हैं। सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरी विलेज शहर में हुआ था। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। घर का खर्च चलाने के लिए उनकी माँ नौकरी करती थी, इसलिए महज 7 साल की उम्र में उन्हें अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। सैंडर्स 12 साल के थे कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उनको अपनी आंटी के यहाँ रहना पड़ा और अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। सैंडर्स ने कई तरह के काम किए, सेना में गए, वहां से निकाले गए, कुछ वक्त रेलवे में भी काम किया। कुछ विवादों की वजह से उसे भी छोड़ना पड़ा। महज 19 साल की उम्र में शादी के कुछ साल बाद ही पत्नी बच्चों को लेकर अलग हो गई। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहां तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली। सैंडर्स को खाना बनाने में खास रुचि थी, लिहाजा उन्होंने सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट खोलकर खाना बनाना शुरू किया। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनकी संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। 1909 बार उन्हें ना सुनने के बाद उन्हें पहली बार हां सुनने मिली और यहां से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। सैंडर्स की एक रेस्टोरेंट से डील हुई, वो अपनी चिकन की सीक्रेट रेसिपी भेजते और मुनाफा कमाते थे। साल 1965 में उन्होंने KFC की फ्रेंचाइजी राइट्स $2 मिलियन में बेच दी। डील के तहत केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी दुनिया भर में अपने आउटलेट खोलेगी और सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दी जाएगी। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दी गई। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अब इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हो गई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC के चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से अधिक देशों में 22,000 से भी ज्यादा स्टोर हैं।